हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस वॉक। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। सो टुडे वी आर इन BMW एंड आप देख सकते हो मेरी मुस्कुराहट कितनी ज़्यादा है आफ्टर लुकिंग एट दिस ब्यूटीज एंड दिस आर माय सेकंड वाइफ्स। आई कैन से माय बाइक इज़ अ सेकंड वाइफ, ये सारे नहीं हैं। तो BMW पहली बार हम इधर पैर रखे हैं इन टू दिस प्रीमियमनेस एंड माई गॉड वी आर इन हेवन। एक बार दिखा दो साइड में क्या क्या है। लुक एट दिस ब्यूटी, लुक एट दैट ब्यूटी वहाँ पे, लाइक वी आर सराउंडेड, वी आर सराउंडेड बाई ब्यूटीज ऑल अराउंड अस। बट आज की बात जो है, आज की बात है सिर्फ इस ब्यूटी के बारे में, द BMW 310 GS। ये जो है टूरर वर्जन है, इसमें नेकेड वर्जन भी आता है, द G310 GR, ये GS है द टूरर वर्जन। एंड यू कैन सी अभी यहाँ पे ब्लैक वर्जन है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसमें एक और ब्लू वर्जन आता है जो वहाँ पे खड़ा है, रैली वर्जन। एंड बाइक तो OMG बहुत ब्यूटीफुल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सिनेमैटिक के साथ। और अगर आप लोग नए हो ऑन माई चैनल एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम फॉर ऑल द बिहाइंड सीन्स एंड फॉर योर अपडेट्स। तो अभी चलते हैं सिनेमैटिक्स की, और आफ्टर सिनेमैटिक्स वील हैव अ टेस्ट राइड, ऑसम टेस्ट राइड। टेस्ट राइड के बाद वील टॉक अबाउट इन डेप्थ स्पेसिफिकेशन। उसके बाद आई विल टेल यू कि आपको लेना चाहिए या नहीं। सो लेट्स रोल द सिनेमैटिक। तो अभी हम इसको चलाएंगे, द ब्लू वेरिएंट जो कस्टमर के अंदर खड़ी हुई है। इस पर गार्ड्स वगैरह लगने के बाद काफ़ी बड़ी लगती है। साउंड भी ठीक ठाक है भाई साहब, बाइक पे बैठ जाता है। सी गाइस, हंसना मत बोल, लेकिन आई एम नॉट यूज्ड टू विद दिस एरिया, मुझे रास्ते नहीं पता है। दैट्स व्हाई आई वास्ट फॉर अ पिलियन सीटर फ्रॉम द शोरूम। तो अभी वो बंदा आएगा, देन वील मेक द टेस्ट राइड। काफ़ी स्मूथ ट्रांसमिशन है। फर्स्ट इम्प्रेशन, बाइक बहुत स्मूथ है, डेफिनेटली काफ़ी रिफाइंड है, एंड गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है। काफ़ी शाम हो गई है क्योंकि इट्स ऑलरेडी 5:30, नो आई एम सॉरी इट्स 6 एक्चुअली। हाँ अभी पावर का टेस्ट करते हैं। इसमें वाइज़र तो लगा नहीं, तो बहुत विंड मार रहा है, ठंड बहुत लग रही है। इधर से राइट लूँ? ओके राइट, उधर से मैक्सिमम राइट रखो। ओके सॉरी गाइज, यूजुअली मेरा जो टेस्ट राइड होता है ज़्यादातर शाम में होता है, तो देर हो जाता है, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट।
माफ़ कर देना यार, क्या करूँ, काम इतने आ जाते हैं कि साला टाइम ही नहीं मिलता। और ऊपर से मैं इधर जल्दी आया था बट अनफॉर्चुनेटली बाइक भी नहीं थी तो और देर हो गई। ऑलमोस्ट आई हैव बीन वेटिंग टू टेस्ट राइड दिस फॉर 1 आवर। अभी क्या करूँ, मेरी गलती मुझे पे भारी पड़ गई। मैं अभी हमने हाई एंड्स तो मैंने टच नहीं किया बट जितना भी स्पीड मैंने चलाया तो आई कैन फील द पावर एंड आई कैन से कि इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि पावर है, बाइक में पावर तो है। अभी हम जा रहे हैं यूवी सिटी के आगे। चलो, मैंने ना यूवी सिटी के अंदर गया था आज सुबह में, मैंने पार्क में बाइक ओवर दिया एंड वहाँ पे मैं मास्क भूल गया था घर पे, तो मैंने सोचा चलो एक मास्क ले लेते अंदर। एंड तो मैंने मास्क तो अंदर ले लिया बट वहाँ पे एक पैंट था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, जेकब्स, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा ब्रांड। एंड मैं और अपने पार्टनर नदीम, हम दोनों गए, उठाया उस पैंट को एंड प्राइस देखा, तो प्राइस वाज लिटरली ब्रेड टेकिंग, 55,000 ओनली। फाइन, तो अभी पैंट की बात नहीं कर रहे हैं, बाइक की बात कर रहे हैं, तो बाइक को डाल देते हैं इधर। ओके, बहुत मज़ा आया चला के, एंजॉयड इट डेफिनेटली, यस। आई एम श्योर आप लोगों को सिनेमैटिक्स तो पसंद आया होगा, इफ़ इट डिड देन मेक श्योर टू हिट अ लाइक एंड टेस्ट राइड भी पसंद आया होगा। तो टेस्ट राइड तो ज़्यादा लंबा नहीं कर पाया क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी थी एंड मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर वेट किया बाइक के लिए क्योंकि बाइक कहीं गई हुई थी ऑन सम पर्पस। तो अभी बाइक आने के बाद आई डिड द टेस्ट राइड एंड इट वॉज रियली अमेजिंग, ज़्यादा तो नहीं कर पाया एंड पावर का भी सब हमने देख लिया है, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, तो इस VS4 वर्जन से VS6 वर्जन में बहुत सारे डिफरेंस आए हुए हैं। देर हैव बीन ए लॉट ऑफ अपग्रेड्स, लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। तो अभी पहली थिंग है प्राइस काफ़ी डाउन हुआ है प्रीवियस वर्जन से, इस वर्जन पे काफ़ी डिक्रीज हुआ है। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि कितना डाउन हुआ है बट देर हैज़ बीन ड्रास्टिकल डिक्रीज एंड इसमें क्या इम्प्रूवमेंट जो है विल टॉक अबाउट ऑल द एक्सेसरीज स्टेप वाइज। तो फ्रंट से बात करते हैं, फ्रंट से बात करें तो यहाँ पे यू गेट द LED DRL ऑब्वियसली एंड जो इंडिकेटर्स थी पहले हैलोजन इंडिकेटर्स आती थी, राइट नाउ इट्स LED इंडिकेटर्स, आपको LED इंडिकेटर्स मिलती है, पहले हैलोजन की आती थी विच वाज नॉट गुड। एंड अभी फ्रंट व्हील बेस की बात करें तो फ्रंट इज़ 19-inch अलॉय व्हील जो काफ़ी बढ़िया एंड 300mm का डिस्क के साथ आता है, ड्यूल चैनल ABS। पहले इस जो VS4 वर्जन था उसमें एक स्विच था, डेडिकेटेड स्विच वेयर यू पुट ऑफ एंड ऑन द ABS, इस पे डिफॉल्ट है ABS को, यू कॉन्ट टर्न इट ऑन एंड ऑफ, ड्यूल चैनल ABS। एंड फ्रंट में यू गेट फोक सस्पेंशन, इन्वर्टेड फोक सस्पेंशन एंड यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया वाला रेडिएटर गार्ड मिलता है विच इज़ रियली ह्यूज, डार्कनेस की वजह से ठीक से दिख नहीं रहा है। एंड उसकी यहाँ पे नीचे मिलता है इंजन बेली गार्ड जो इंजन को नीचे वाले खड्डों से बचाता है एंड व्हील बेस काफ़ी बढ़िया है जिसकी वजह से यू कैन ईजिली डू ऑफ रोडिंग विद दिस एंड इट्स जस्ट सस्पेंशन तो बहुत ही बढ़िया है। तो इंजन इज़ 313 cc सिंगल सिलेंडर 6-speed गियर इंजन विच प्रोवाइड्स पावर ऑफ 34 bhp एंड 28 Nm ऑफ टॉर्क विच इज़ क्वाइट डिसेंट, काफ़ी अच्छा है। एंड सस्पेंशन की बात करें, रेस सस्पेंशन इज़ मोनोसॉक्स एडजस्टेबल सस्पेंशन, ऑफ कोर्स एडजस्टेबल है। एंड यहाँ पे आप फूड पैक्स देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है इस पे आप, ये काफ़ी हैवी फूड पैक्स हैं, एडवेंचर बाइक्स में यूजुअली थोड़े हैवी आते हैं। ये बाइक्स जो हैं काफ़ी हाइट पे रहती हैं, इसका जो सीट हाइट भी है ना इट्स 835mm जो काफ़ी ज़्यादा है, तो जो शॉर्ट लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पे आप पैर रख के फिर आप बैठ सकते हो, या फिर अगर आप हाइट हो, यू आर ओके विद द हाइट, यू कैन ईजिली नॉर्मली आप जैसे बैठते हो वैसे बैठ सकते हो। इवन इन द बैक आपको LED टेल लाइट मिलती है विद LED इंडिकेटर्स ऑफ कोर्स एंड व्हील, बैक साइड व्हील जो है 17mm की व्हील है विद 230mm डिस्क
ड्यूअल चैनल ABS ऑफ कोर्स एंड एग्जॉस्ट भी काफ़ी बढ़िया, एग्जॉस्ट नोट भी हम सुनेंगे कैसा है, तो विल हेड टू दैट पार्ट लेटर। एंड अभी बात करते हैं द मीटर स्पीडोमीटर, तो यहाँ पे कोई ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह नहीं है, एकदम बेसिक है, सिंपल सा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, द फ्यूल गेज, द टैकोमीटर, द स्पीडोमीटर, द ट्रिप मीटर, एंड दीज आर द ट्रिप्स, ट्रिप वन, ट्रिप टू, एंड द गियर इंडिकेटर। रही बात यहाँ पे एक छोटा सा BMW का लोगो मिलता है, एंड इट्स बीन 40 ईयर्स ऑफ द GS 40 ईयर्स हो चुके हैं GS को इंडस्ट्री में आए। हेडलाइट रेंज हाई बीम लो बीम आप कर सकते हो, एंड रेयर व्यू मिरर्स, एंड यहाँ पे इंडिकेटर्स, हॉर्न काफ़ी लाउड है, इंजन किल स्विच एंड द इंजन स्टार्ट। एंड यहाँ पे भी एक BMW का लोगो मिलता है, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, काफ़ी प्रीमियम मिलता है। मैं यूजुअली पहले क्या कहता था कि जब GS4 वर्जन था एज़ पर द कस्टमर्स, तो कस्टमर्स से मैंने जो सुना था उसके हिसाब से आई यूज़ टू से कि अगर आप ये परचेज़ कर रहे हो ना बाइक, तो जितने भी आप पैसे दे रहे हो इसके लिए नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ ये जो BMW का लोगो है सिर्फ इसके लिए दे रहे हो। बट आफ्टर लुकिंग एट दिस VS6 वर्जन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। VS6 वर्जन पे प्राइस भी रिड्यूस कर दिया एंड काफ़ी सारे फीचर्स भी एनेबल कर दिए, विच इज़ रियली गुड, तो आई एम ओके विद इट। एंड अभी सीट की बात करें तो यहाँ पे यू गेट 835 mm सीट एज आई सेड। आप यहाँ पे डायरेक्टली बैठ सकते हो, इफ़ योर हाइट लाइक मी, आपका काफ़ी हाइट है, आपको हाइट हो तो यू कैन ईजिली सेट, बट अगर आपकी हाइट कम है देन यू कैन कीप योर लेग ऑन दिस, इधर आप पैर रख सकते हो, देन यू कैन क्लाइंब ओवर ऑन द बाइक। पिलियन सीट जो है थोड़ा छोटा है, बट आई एम श्योर काफ़ी कंफर्टेबल भी है। यहाँ पे आपको टॉप बॉक्स का टॉप रैक मिल जाता है जिसके ऊपर टॉप बॉक्स आप माउंट कर सकते हो। एक बार आप टॉप बॉक्स को माउंट कर दोगे तो पिलियन राइडर को भी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा, बैक रेस्ट मिल जाएगा उनके लिए, तो विच इज़ रियली गुड। टैंक है 11 लीटर का फ्यूल टैंक, जो आपको माइलेज सिटी राइड्स में आपको मिल जाता है 26 एंड हाईवे पे 33, यू कैन टेक एन एवरेज ऑफ 30, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू राइड। पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस बाइक बिकॉज इट इज़ वर्थ व्हाट यू पे फॉर। अभी प्राइस की बात करें तो इंक्लूडिंग ऑल द एक्सेसरीज, इस पर एक्सेसरीज लगी नहीं है, एक्सेसरीज से भरी हुई बाइक वहाँ पे खड़ी है, लेट मी शो यू अ ग्लिम्स ऑफ इट। ये कस्टमर की बाइक है, ये फुली लोडेड है, आप देख सकते हो यहाँ पे इंजन गार्ड्स लगे हुए हैं, इंजन गार्ड, द फेरिंग गार्ड, वाइजर भी लगा हुआ है, एंड ऑल्सो दिस कवर फॉर द नंबर प्लेट लगा हुआ है, एंड ड्रेस तो उतना ही लगा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे एक फ़ोन माउंट भी लगा है, ये भी एक एक्सेसरी ऑप्शन है, आप लगा सकते हो इफ़ यू वांट, यू कैन गेट दैट। एंड यू कैन सी यहाँ पे ये पूरी नेकेड है, इस पर कोई एक्सेसरीज नहीं लगे हैं, ये थोड़ी छोटी लगती है व्हेन कंपेयर टू दिस। जब आप पूरी तरह से सारे एक्सेसरी से लोड हो जाती है ना, तो सच में बहुत बड़ी लगती है। आप उसको और इसको देखोगे ना, तो ये लगता है कि कोई नेक्स्ट वर्जन है, विच इज़ नॉट, तो काफ़ी बढ़िया है। एंड कलर ऑप्शंस जो है काफ़ी आते हैं इसमें, दिस इज़ द ब्लैक एंड दिस इज़ द रैली, ये जो है दिस इज़ ब्लू, आई एम सॉरी नॉट रैली, दिस इज़ ब्लू एंड दिस इज़ ब्लैक, इन दोनों कलर्स का प्राइस एक ही है, सेम है, विथ इंक्लूडेड ऑल द एक्सेसरीज, ये आपको पड़ जाएंगी 380,000। एंड इसमें दो वर्जनस और आते हैं, विच इज़ वाइट एंड रैली, ये दोनों कलर्स प्रीमियम ऑप्शंस हैं, इसमें ऑलमोस्ट 20,000 एक्स्ट्रा लगते हैं। यू शुड गो फॉर दिस बाइक, अगर आप में से कोई भी लोग देख रहे हैं टू गेट सम प्रीमियम टूर बाइक इन बजट, और एंड इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर KTM, आपको कुछ और चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दिस थिंग, इट इज वर्थ व्हाट यू पे फॉर। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो देन मेक श्योर टू हिट अ लाइक, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा वीडियो। एंड अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब डाउन एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना फॉर ऑल द प्री अपडेट्स एंड बिहाइंड द सीन्स। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ।